16 मार्च साल 1995 को भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। देश में विकलांगता की वजह मानी जाने वाली पोलियो महामारी को खत्म करने के लिए इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत देश में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी गई थीं। इसका नारा 2 बूंद जिंदगी की काफी लोकप्रिय रहा। टीकाकरण के महत्व को इंगित करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए टीकाकरण प्रभावी है। पिछले कुछ दशकों में टिटनस, पोलियो, TB जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए टीके एक कारगर हथियार के तौर पर उभरे हैं, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। इन प्रयासों के चलते ही 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। WHO के अनुसार टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले विकार या वायरस के खिलाफ मजबूत की जाती है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान स्थापित किया।